एंटीवायरस हो रहा तेज। आपको बता दें कोरोना के बाद अब S3 एंटीवायरस का कहर शुरू हो चुका है। एक बार फिर से कोरोना खत्म होने के बाद अब S3 एंटीवायरस के मरीज तेजी से भारत में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में S3 एंटीवायरस हो रहा तेज। बेकाबू हो रहे केसों के बीच भारत सरकार ने चिंताएं शुरू कर दी हैं। दो गज की दूरी मास्क अपनाना जरूरी। S3 एंटीवायरस का कहर शुरू हुआ। आपको बता दें खांसी जुकाम बुखार अगर है तो नज़दीकी मेडिकल स्टोर या आप लोग दवाखाना में जरूर जाएं, डॉक्टर की सलाह लें। आपको बता दें S3 एंटीवायरस काफ़ी तेज़ी से लोगों को खांसी जुकाम बुखार कर रहा है और ये खांसी जुकाम बुखार मामूली आम दवाओं से ठीक भी नहीं हो रहा है। सभी को मास्क और दो गज की दूरी अपनाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो चुका है। S3 एंटीवायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और खांसी जुकाम बुखार खतरनाक होता हुआ नज़र आ रहा है। खतरनाक हो रहा है नया वायरस 1 से 2 गुने। अब यहाँ पे काफ़ी जल्दी केसेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत में S3 एंटीवायरस की एक नई लहर आती हुई नज़र आ रही है। नई लहर में केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज परीक्षा सभी पर नया खतरा S3 एंटीवायरस के रूप में सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी बड़ी खबर, S3 एंटीवायरस के रूप में नया खतरा आ चुका।